लास्ट प्रोमिसेस पर आ रहा था डीडीबीएस के। डीडीबीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, उसके प्रोमिसेस को मैं थोड़ा सा रिव्यू, क्योंकि अभी वो इस लेक्चर में जो मैंने स्टडी आउट करवानी है वो है कुछ प्रोमिसेस का कंटिन्यू है, कुछ अभी कुछ रहती हैं उसका कंटिन्यू करवाऊंगा, और इसके साथ साथ वो फैक्टर बताऊंगा कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को यूज किया जाता है, और ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, और इसके मुताबिक अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, या उसको अल्टर कैसे किया जाता है, ये भी इसी का पार्ट होगा। ये जो आपको स्लाइड में स्क्रीन पर जो फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, ये आपका प्रोमिसेस का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट समझ लें। लेकिन आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस आज जो हमने स्टडी आउट करना है वो कुछ प्रोमिसेस कंटिन्यूस करने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला नजर आ रहा है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, और सेकंड पर मैंने कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अभी भी बहुत सालों से रिसर्च तो जारी है, इस पर काम हो रहा है डीडीबीएस पर, और टिल येट अभी भी उसमें कुछ किस्म के एरर्स आते हैं और उन पर काम हो रहा है डीडीबीएस को फेस करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती है। सारी सी बात है, कुछ आप कोई काम करते हैं उसमें माइनर सा प्रॉब्लम तो आ ही जाता है, तो साथ साथ उसका भी टैकलमेंट होती रहती है। हमने जो पहला प्रोमिसेस पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी, ये मैं क्यों रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ उसकी वजह ये है, ट्रांसपेरेंसी का वर्ड सुन लिए कि बहुत दफा रिपीट होना है पूरे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तक शायद बाहर जाए ट्रांसपेरेंसी का वर्ड बहुत यूज होगा। ट्रांसपेरेंसी का वर्ड का मैंने आपको जो वर्ड बताया था, एक है यूजर, सिंपल यूजर, और एक है आप लोग, वो कौन है, डिजाइनर, प्रोग्रामर या डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो इसको टैकल करता है। अब मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं कि यूजर एंड सिर्फ सर्च आउट करता है, उसको रिजल्ट मिल जाता है, उसको ये गर्ज नहीं होता है इसके पीछे वर्किंग सेंट्रलाइज्ड हो रही है, इसके पीछे वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, उसको कोई पता नहीं, उसको नहीं पता कि ये एक्सेस लोकल है, ये एक्सेस रिमोट है, ये एक्सेस ये ग्लोबली है। यूजर को इस बारे में, यूजर को सिर्फ फैसिलिटेट करना होता है, काम को कर रहा था वो डीबीए कर रहा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है, ये डिजाइनर होता है, डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से काम ये कर रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि यूजर को इस बात का इलम नहीं होता, उसको इस बात की हाइडनेस दिखाई जाती है कि पीछे वर्क कैसे हुआ। ट्रांसपेरेंसी का अपने माइंड में सेट कर ले, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये नेक्स्ट लेक्चर तक शायद इसका वर्ड बार बार यूज हो, उम्मीद है कि इसको इससे आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था डेटा इंडिपेंडेंस का, जिसमें डेटा और प्रोग्राम जो है आपस में सेपरेटली वर्क करते हैं। अगर मैं डेटा में कोई चेंज, मैंने आपको ये भी बताया कि ओल्ड सिस्टम में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता था, जिसमें डेटा प्रोग्राम में कम्बिनेशन जो है उसका इंडिपेंडेंट होता था, अगर डेटा में चेंज करते थे तो प्रोग्राम भी साथ साथ चेंज हो जाता था, तो बड़े मुश्किल आती थी। ये जैसे डेटाबेस आई, फिर इसके बाद एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आई, तो इसने इम्प्रूवमेंट लाई, इसने क्या किया डेटा इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके प्रोमिसेस का, उसने ये किया कि जो डेटा और प्रोग्राम में चेंजेस आती हैं, अगर मैं डेटा में मिसाल के तौर पर कोई चेंजेस करता हूँ तो उसका इफेक्ट प्रोग्राम पर नहीं पड़ता, और अगर मैं प्रोग्राम में माइनस ही चेंजेस करता हूँ तो उसका इफेक्ट डेटा पर नहीं पड़ता, ये ड्यूटी है इसकी। कुछ मैंने आपको बताया था दो टाइप्स है डेटा इंडिपेंडेंस की, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट प्रोमिसेस में ये है कि नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, जैसे डेटा और प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी है उसमें भी इंश्योर किया जाता है और ट्रांसफर रखा जाता है यूजर एंड के तौर पर, और इसी तरह नेटवर्क की फैसिलिटी भी ऐसी होती है जिसमें पीछे नेटवर्क किस मैंने से ट्रांसमिशन मीडिया हमने यूज किया, कौन सा मीडिया यूज किया, और किस तरह हमें डेटा रिसीव हो रहा है, इस चक्रों में यूजर नहीं पड़ता, सिंपल यूजर नहीं पड़ता, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, हाइडनेस रखी जाती है यूजर और डिजाइनर के बेस पर, इस चीज का वो डिजाइनर प्रॉमिस देता है और इस तरह डिजाइन करता है कि यूजर एंड इस चक्रों में ना पड़े, कि उसको ये डिटेल सारी बतानी पड़े, अगर उसको डिटेल बतानी पड़े तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। जो इंटरेस्ट लेकर कोई काम करता है ना, वही डिजाइनर या कुछ किसी किस्म की स्किल्स हासिल करता है। यूजर को कुछ सिर्फ काम चाहिए जो उसने सर्च आउट किया है,
उसको अगर डेटा मिल जाए तो वो क्यों सोचेगा कि इसको काम कैसे हुआ, इतना टाइम कौन लगाएगा, तो वो एक नहीं तो दूसरी तरफ चला जाएगा। टाइम बहुत, टाइम की जो कंजप्शन है ना वो बहुत मैटर करती है। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी हो गई, उसके बाद मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका एक किस्म का डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है मल्टीपल साइट पर। ये फ्रेगमेंटेशन का जो वर्ड यहाँ पर स्लाइड पर आपको मेंशन है, ये फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन का आपस में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, लेकिन इसका और उसका थोड़ा सा फर्क देख लीजिएगा मैं बता क्या रहा हूँ। रेप्लिकेशन में आपका जो डाटा है या आपकी जो फाइल्स हैं वो मल्टीपल साइट पर स्टोर होती है सेम डाटा के साथ। इसका एक फायदा है, रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, स्लाइड में शो भी कर देता हूँ। आपके पास नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको बताया रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। इसका जो मतलब यह है कि आपका जो डाटा है वो मल्टीपल साइट पर स्टोर हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर दूसरे सिटी से भी एक्सेस लेना चाहे रिमोट के तौर पर, मैंने आपको लोकल बताया सेम सिटी, रिमोट बताया अनदर सिटी, अगर इन्वॉल्व हो जाए ग्लोबली एनीवेयर, ये कंसेप्ट तीन एक्सेस अपने जेन में रखिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि उसका डाटा का या फाइल का एक्सेस दूसरे सिटी से हासिल करूं तो डाटा रिमोटली आपके पास आ जाता है वो। लेकिन रेप्लिकेशन जो डाटा है ना वो ट्रीट करता है लोकली, 90% से अबव ट्रीट लोकली होता है, 10% कह सकते हैं कि आपको वो दो, लेकिन रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी 100% लोकली होती है, यूजर इजिली एक्सेस लोकली। इसकी मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि उसको ये नहीं पता होता कि हमें पास अगर एक सेंटर हाँ ये अगर एक सेंटर डाउन हो जाए एप्लीकेशन का, अगर जो डाटा मल्टीपल साइट पर पड़ा है अगर वो एक साइट डाउन हो जाए तो हम दूसरी साइट से डाटा ले सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी की एडवांटेजेस में ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोमिसिस का ये पॉइंट है, अब ये भी प्रोमिस है एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी, इसका आपका प्रोमिस है कि डाटा यूजर एंड की तरफ से कितना हाइड किया जाए। उसकी मैं बैक एंड पर बता रहा हूँ कि काम डिजाइनर के तौर पर क्या किया जाता है, उसका फायदा क्या होता है। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कुछ फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी की पहले बात कर लेते हैं, प्रोमिसिस क्या है। ये अल्टरनेटिव है DDBS का, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम टेक्नोलॉजी की, ये क्या करती है अल्टरनेट है। अगर हम कहें कि हमारी एक फाइल है, जैसे कि मैं रेप्लिकेशन में बताया था सेम डाटा विल बी स्टोर्ड ऑन मल्टीपल साइट, फ्रेगमेंटेशन का देखिएगा सुनिएगा कि एक फाइल है और उसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स फ्रेगमेंट करते हैं पार्ट्स में तकसीम कर देना, अगर उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर दूं और उस पार्ट्स को मल्टीपल प्लेस पर मैं स्टोर कर दूं, रेप्लिकेशन में क्या था सेम डाटा था और मल्टीपल साइट पर स्टोर किया था, फ्रेगमेंटेशन में फाइल एक है या दो फाइल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करते हैं डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीपल साइट पर स्टोर कर देते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन का काम। इन रेप्लिकेशन ऑल होल फाइल्स स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस, बट इन फ्रेगमेंटेशन पार्ट्स फाइल पार्ट्स आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस। डिफरेंसेस पता लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, बैंकिंग की एग्जांपल। अगर मेरे पास मल्टीपल जोन्स है लाइक इस्लामाबाद का जोन है, रावलपिंडी का जोन है, लाहौर का जोन हो जाए, अनदर सिटीज का जोन हो जाए, ये जोन है मैं कह रहा हूँ। अगर लाहौर का जोन है और उसके पास अगर लाहौर का बंदा है और वो क्या करता है उसके पास उसकी जो फंक्शनैलिटी जो है लाहौर के बंदे के जो भी उसकी डाटा है वो बाकी बैंक जो सेम शर्त ये है बैंक नेम सेम होना चाहिए। अगर अलाइड का बैंक है तो अलाइड का बैंक ही होना चाहिए, मिजान का बैंक है तो मिजान का बैंक की ब्रांचेज होनी चाहिए। अगर सेम बैंक जोन है बैंक नेम है
तो अगर वो लाहौर में बैठा है उसकी तमाम डिफरेंट साइट्स में उसकी सेम फंक्शनैलिटी होगी। कैसे? एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप न्यू अकाउंट ओपन करवाने चाहते हैं तमाम सिटीज में या तमाम सिटीज के उस सेम बैंक नेम से, सेम बैंक नेम में लाजमी बोल रहा हूँ, यानी कि मिजान के सारे सिटीज के बैंक नेम, उसमें जो आपके अकाउंट के लिए, न्यू अकाउंट के लिए आपको जो फॉर्म दिया जाता है, मैं बैंक नेम लेता हूँ मिजान बैंक, उसका जो फॉर्म है फिल करने का, वो तमाम पाकिस्तान इस कंट्री के उस मिजान बैंक में एक ही डाटा होगा, एक तरह की ही उसका पेपर वर्क होगा। ये फ्रेगमेंटेशन की जो फंक्शनैलिटी, इसलिए मैं कह रहा था सेम है। अब हो सकता है माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन ज्यादातर ये है कि उसमें डिफरेंसेस नहीं आते। फाइल सिस्टम में देख लें, अकाउंट में सेम होगा। हाँ ये है कि बैंक नेम अगर चेंज हो जाए तो हाँ उसके मुताबिक फाइल डिफरेंट हो सकती है। ये है फ्रेगमेंटेशन। हम ज्यादातर टाइम, जो मैंने पहले भी आपको और एप्लीकेशन में भी बताया, फ्रेगमेंटेशन में भी यही है कि 90% अगर मेरा इस सिटी में अकाउंट है तो मैं ज्यादातर 90% इसी सिटी में से, इसी सिटी का एक्सेस लूंगा और वहीं से अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँगा। बहुत रेयर चांसेस, 10% ऐसे चांसेस होंगे कि मैं अदर सिटी में गया हूँ, किसी काम से गया हूँ, तो मैं वहां पर एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया, 10% ही कोई ऐसा होगा जो लोकली नॉन लोकल होगा, जैसे कि रिमोट या ग्लोबली। लोकल, रिमोट और ग्लोबल एक्सेस आर यूजिंग इन फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन में तीनों का एक्सेस अवेलेबल है, लोकल भी हो सकती है, रिमोटली भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है, लेकिन रेप्लीकेशन में सिर्फ लोकली एक्सेस होती है। ये मैं पहले भी रेप्लीकेशन का बता चुका हूँ, ये कंपैरिजन भी है। इसी फ्रेगमेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं, हमने अगर कंपेयर करें कि रेप्लीकेशन में मैंने बताया था, अगर डाटा लॉस्ट हो जाता है एक साइट का लोकली, तो वो दूसरी साइट से डाटा ले लेता है, उसके पास इतना एक्सेस होता है, मल्टीपल प्लेस में अगर डाटा फाइल पड़ी है तो वो दूसरी साइट से अपना डाटा ले लेता है और अपना काम जारी रखता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्ट्स किए होते हैं, एक फाइल के पार्ट्स करके मल्टीपल प्लेसेस में रखे होते हैं, अगर वो डाटा लॉस्ट हो जाता है एक साइट से, तो आप दूसरी साइट से एज लोकली एंड एज अ ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट एक ही साइट पर पड़ा था और दूसरा पार्ट अनदर साइट पर पड़ा था, तो वो पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो एक्सेस नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन की ये लैक है, बिकॉज डेट ऑफ डेट फाइल्स इन डेट साइट इज ऑलरेडी डैमेज। इसलिए हम फ्रेगमेंटेशन में इस किस्म की लैग को फेस करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम DDBS ये प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस ही क्या कर रहे हैं ना, प्रॉमिस करता है जो फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है उसको एंड यूजर से हाइड रखा जाए। मैं पहले आपको बताता हूं कि ये जो मैंने वर्ड फ्रेगमेंटेशन या कोई वर्ड बोल रहा हूँ प्रोमिस में, उसका मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है। अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू डिजाइनर, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर, फिर उसको बताता हूँ कि एंड यूजर के, उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं, हम प्रोमिस करते हैं कि आपकी ये डाटा हम सेव रखेंगे, हाइड रखेंगे। तो बेसिकली DDBS प्रॉमिस करता है कि फ्रेगमेंटेशन की जो ये ट्रांसपेरेंसी है उसको एंड यूजर से हम हाइड रखेंगे। वो किस्म का डाटा, चाहे वो लोकल हो, रिमोट हो या ग्लोबली हो, डिजाइनर, सिर्फ डिजाइनर और DBA डेटाबेस एडमिनिस्टर ही जानता होगा, वो ही सिर्फ इन्वॉल्व होंगे इस तमाम किस्से में, एंड यूजर नहीं इन्वॉल्व होगा। ये था फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी की प्रोमिसेस।